तो आज और कल दोनों दिन बाबा ने हमें खास अंडरलाइन कराया है कि हमें बाबा को आंख खोल कर याद करना है। और बाबा कहते कि आंख खोल कर याद करना जो है वो मुश्किल नहीं है। आप में से कौन कौन बाबा को आंख खोल कर याद करते हैं? आंख खोल कर याद करते हैं, है ना? कुछ ऐसे भी हैं जो आंख खोल कर याद नहीं करते हैं, है ना? आंखें बंद कर कर याद करते हैं। और शुरू शुरू में सबका अनुभव होता है कि थोड़ा आंखें बंद कर कर याद करने की आदत होती है। तो आज थोड़ा सा इसको समझेंगे। आज सेंटर पर क्लास करा रही थी तो वहाँ पर एक माता है जो अभी कुछ दिनों से ज्ञान में चल रही है, तो मुझे कहती कि जब आंख बंद करती हूँ ना तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आंख खोलती हूँ तो इतना ध्यान नहीं लगता, है ना? तो उसको यही समझा रहे थे कि ये जो शब्द है ना ध्यान, ये भक्ति का शब्द है। तो जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, है ना, सोचते हैं हम ध्यान लगाएं, तो ध्यान लगाने में हमारी वो जो भक्ति के संस्कार हैं वो जागृत हो जाते हैं, और फिर आंख बंद करके हम सोचते हैं हम ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन बाबा का शब्द देखो, बाबा कहते हैं याद, है ना, याद। और बाबा कहते हैं याद करने में आंख बंद नहीं करनी पड़ती। और कितना अच्छा होता अगर हमें याद करने के लिए आंख बंद करनी पड़ती, क्योंकि सारे दिन हमारे जीवन की समस्या क्या है? याद ही तो है ना? पुरानी पराई बातों को हम याद करते हैं, और उन्हीं के कारण तो हमारे दिल में जो भी कष्ट है, दुख है, भय है, चिंता है, वो सब कुछ उसी कारण से तो होता है। तो बाबा कहते याद तो खुली आंखों से करते हैं, सारे दिन मनुष्यों को, बीती बातों को कैसे याद करते हैं, है ना? खुली आंखों से याद करते हैं, तभी तो दुख पाते हैं। अगर याद के लिए आंखें बंद करनी पड़ती तो खाली रात को थोड़ी देर याद करते किसी को, लेकिन सारे दिन याद का ही तो चक्कर है ना? कहते हैं यादें ही दुख देती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो याद है ये तो वैसे भी तुम खुली आंखों से करते हो। मैं आपको एक इसमें अनुभव सुनाती हूँ। एक माता थी तो क्लास में आती थी, तो ऐसे कोर्स कर रही थी, तो कोर्स सुनते सुनते ना ऐसे आंखें खुली हैं, और जैसे इंडिविजुअल कोर्स था तो बातचीत भी हो रही है, लेकिन करते करते एकदम आंखों से टप 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 उसके आंसू बहने लगते। तो मैंने उसको कहा एक दिन कि क्या बात है, आप ऐसे एकदम से जैसे कोई नल खुलता है और आपकी आंखों से ऐसे टप 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 पानी बहता है। तो मुझे कहती कि मैं क्या करूं, ये तो रुकते ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं रुकते? तो मुझे कहती कि 7 साल पहले बेटी जो है वो शादी करके चली गई, अपनी मर्जी से शादी की, तो पति ने कहा, बेटों ने कहा कि उसको घुसने नहीं देंगे। तो 7 वर्ष से बेटी की खबर नहीं है मुझे, मेरी कोई उसके साथ बातचीत नहीं होती, वो भी संपर्क नहीं करती है मुझे। तो 7 वर्ष से जब भी बैठती हूँ तो खाली उसकी याद आती है, खाना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसकी याद आती है। मुझे बहुत प्यार था मेरी बेटी से, और उसकी याद में ऐसे आंसू टप 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 बहने लगते हैं। तो आप सोचो कि 7 वर्ष से देखा भी नहीं है ना, पता भी नहीं कि कैसी है, कहाँ है, लेकिन याद ऐसी है जो जैसे ही याद आती है तो दिल को दुख हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे सारे दिन आंखें खोल के
तुम पुरानी पराई बातों को याद करके दुखी होते हो ना, ऐसे आप क्या करो, सारे दिन चलते फिरते खाते पीते कर्म करते मुझे याद करो, है ना। और जब बाबा हमें कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो, तो हम क्या सोचते हैं, बिंदी को याद करो। बाबा ने कहा है मुझ बिंदी को याद करो, हाँ बाबा तो मुझ बिंदी को याद करो नहीं कहते ना, मुझ बाप को याद करो कहते हैं। अब आप देखो, जब हम किसी आत्मा को याद करते हैं, किसी भी आत्मा को, तो उस आत्मा को क्या उसका सिर्फ फोटो याद करते हैं? नहीं, फोटो देखेंगे भी तो आत्मा को याद करते हैं, है ना। और आत्मा को याद करते हैं तो फिर उसकी सारा व्यक्तित्व पूरा इकट्ठे सामने आता है ना। उस आत्मा का सारा व्यक्तित्व जो है, उसके साथ जो संबंध है, जो प्राप्तियां हैं, सब कुछ याद आता है। तो आप देखो कि जब एक व्यक्ति भी हमारी अवेयरनेस में होता है, तो वो हमारी स्मृति को, वृत्ति को, कर्म को, बोल को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अभी मुझे एक पीछे एक बहन ने कहा कि पति बहुत तंग करते हैं, ज्ञान में नहीं है वो बहन, ऐसे ही संपर्क में है, तो कोर्स भी नहीं किया है उसने, तो कहती सारे दिन ताने, सारे दिन ऐसा, तो क्या, तो मुझे, मैं सोचती हूँ मैं छोड़ दूँ इनको। तो मैंने कहा कि छोड़ दूँ फिर कहाँ जाएंगे, तो कहती मैं पिताजी के यहाँ चली जाऊँगी। तो मैंने कहा कि पिताजी के यहाँ जाने की क्यों सोचते हो, क्या मैटर है? तो मुझे कहती मैं अकेली बेटी हूँ, मुझे कोई कमी थोड़ी है, मैं एक अकेली डॉटर हूँ, सारा कुछ पिताजी का मेरा ही है, मैं क्यों किसी के ताने सुनूँ, मैं जाके आराम से रहूँगी घर में। और वैसे भी पिताजी माताजी बुज़ुर्ग हो रहे हैं, वो वैसे भी कहते हैं कि अगर तुझे तकलीफ़ है तो तू आ जा, है ना। तो आप देखो कि ये जो बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि दुनिया में भी जैसे लौकिक पिता लौकिक पिता याद है, तो आत्मा को विपरीत परिस्थिति में क्या नशा है ना, कि मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, मुझे क्यों सहना है, क्यों कुछ करना है, मुझे तो आराम से जाके रहना है ना। तो आप देखो ये जो याद होती है, जब हम दुनिया में, तो हम जब याद करते हैं देहधारियों को, तो हमें याद करना बहुत अच्छा आता है ना। लेकिन बाबा को जब हम याद करते हैं, तो हम कैसे याद करते हैं, बस बिंदु बिंदु को देख रहा है, बस ऐसे ही, है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं कोई सिर्फ बिंदु थोड़ी हूँ, मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो शांति पवित्रता का सागर हूँ, मैं तो सुख प्रेम का सागर हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, सतगुरु हूँ। तो बाबा कहते मुझे सिर्फ बिंदु क्यों सोचते हो, जब देहधारी को याद करते हो तो उसके सारे गुण के साथ, उसके तुम्हारे संबंध के बल के साथ, उसके साथ जो तुम्हें प्राप्ति हो सकती है, उस सबको याद करते हो, है ना। बिजनेसमैन अपने क्लाइंट को याद करता है तो पेमेंट को भी याद करता है ना। तो बाबा कहते इतना जब तुम देहधारी को याद करते हो, तो तुम कितने उसके पूरे पूरी पर्सनालिटी के साथ उसको याद करते हो, संबंध के साथ याद करते हो, प्राप्ति के साथ याद करते हो, और मुझे याद करते हो तो कैसे करते हो, हाँ बस मैं बिंदु वो बिंदु, बस साइलेंस, इतना ही। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे याद करो। अब आप विचार करो, बाप के साथ वर्षा, है ना, जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो वर्षा भी याद आता है ना। अब आप देखो किसी व्यक्ति को भी आप दुनिया में देखते हो, जिसका पिता कोई बड़ा आदमी होता है, कोई साहूकार होता है, कोई अमीर व्यक्ति होता है, या कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, तो उसके चलन में ही दिखाई देता है ना,
चलन में ही मालूम पड़ता है कि हाँ, इसका जो लौकिक पिता है वो कोई बड़ा व्यक्ति है। तो बाबा कहते हैं, तुम मेरी याद में जब चलोगे, है ना, तुम मेरी याद में जब, तो तुम्हारे जब कर्म करोगे, चलोगे, जीवन में रहोगे, तो तुम्हारी झलक फलक कैसी होगी, है ना। तो हमें बाप की याद रहती है कि मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, मेरा बाप सागर है, मेरा बाबा हेवेनली गॉडफादर है ना। जब हम बाबा के वर्तमान में भी जब सोचते हैं, तो जिसका बाबा सर्वशक्तिवान है उसको कभी शक्ति की कमी हो सकती है। ब्राह्मण जीवन का गायन क्या है, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। हम अभी ईश्वरीय संतान हैं, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम गुणों के सागर की संतान हैं, हम ज्ञान सागर की संतान हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिसका हमारे पास सल्यूशन नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं जो मुझ बच्चे के पास नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेरे पिता के द्वारा मुझे मिली ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम क्या अपने परम पिता की याद में रहते हो, है ना। क्योंकि जब हम याद में रहते हैं तो वो संबंध का बल मुझे अनुभव होना चाहिए, होता है। हाँ, हम लोग कहते हैं, आप जब चार्ट लिखते हैं तो कहते हैं, हम 8 घंटे याद में थे, 2 घंटे याद में थे, आधा घंटे याद में थे। जब हम बाप की याद में होंगे तो हमारी झलक फलक सूरत सीरत कैसी होगी, सोचो, है ना। तो बाबा कहते हैं, क्या तुम सच में मेरी याद में हो। मनुष्य भी जब याद में होता है तो उसकी चाल ढाल सब बदल जाती है, किसी देहधारी की याद में भी, है ना। आप सोचो, किसी मनुष्य को कोई प्यार करता है ना, भले ही उसको ये नहीं पता कि ये प्यार जो है ये तो क्या है, अल्पकाल क्षण भंगुर है ना, तो ये तो सिर्फ देह का प्यार है। लेकिन उसके प्यार में भी, है ना, मनुष्य का चेहरा ग्लो करने लगता है। और हमें कौन प्यार करता है, प्यार का सागर। तो उस प्यार के सागर के प्यार में पलने वाली मैं आत्मा हूँ, इतना मेरे सूरत में दिखाई देता है। अगर बाबा की याद है तो ये सब कुछ दिखाई देना चाहिए, आंतरिक अनुभव होना चाहिए। तो बाबा कहते, इतना तुम्हें, कल बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे स्त्री भोजन बनाती है तो सोचती है पति के लिए भोजन बनाती हूँ। आप सोचो, जब पति के लिए भोजन बनाते हैं तो क्या याद रहता है, अरे नमक ज़्यादा डाल दिया, वो कम खाते हैं, है ना। अभी कहेंगे ज़्यादा नमक क्यों कर दिया, या ये सब्ज़ी नहीं खाते, या इस प्रकार से बना हुआ नहीं खाते। तो ऐसे हर चीज़ में, जैसे एक एक कदम पर क्या याद रहता है, उनको ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, वो ऐसा चाहते हैं, ऐसा पसंद करते हैं, ऐसा नहीं पसंद करते। तो बाबा कहते, बाबा की याद में भी भोजन बनाएंगे तो हमेशा क्या अटेंशन रहेगा, मेरी स्मृति कैसी हो, वृत्ति कैसी हो, है ना, स्थिति कैसी हो। क्योंकि बाबा तो यही कहते हैं कि जब तुम भोजन बनाओ तो भोजन ब्रह्मा भोजन बन के बाहर आए, ऐसा लगे कि जैसे बाबा का सारा प्यार शक्ति उस भोजन में तुमने जैसे, है ना, बाबा की याद के बल से समा गया है। तो बाबा कहते कि इतना हमें याद रहती है बाबा की। और जब हम बाबा को याद करते हैं तो आप देखो, बाबा के जितने गुण हैं, जितना बाबा शक्तिशाली है, जो बाबा से हमारा संबंध है, जो बाबा से प्राप्ति है, उस भान से हम याद करते हैं या बस बिंदु बन के बिंदु बिंदु करते रहते हैं, ये हमें विचार करना है। क्योंकि मैं यही देखती हूँ कि मनुष्य ने, जैसे देखो दुनिया में भी हम क्या करते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में रहते हैं तो हम देहधारियों को रियल और प्रैक्टिकल समझते हैं, और भगवान को क्या समझते हैं, एक आइडिया, ठीक है ना। इसीलिए तो कहते हैं उनको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। अब रियल और प्रैक्टिकल है तो क्यों समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। जब हम ज्ञान में भी आते हैं
तो भी हमें बाबा का सत्य तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन हम बाबा को अपने जीवन में रियली और प्रैक्टिकली नहीं रखते, है ना। प्रैक्टिकल नहीं, फिर थ्योरी में ही रह जाता है बाबा, कि वही काम काज करते बाबा की याद नहीं रहती। काम काज करते देहधारी की याद रखना ईजी रहता है, बाबा को याद करने के लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम देहधारी से संबंध के बल से याद में रहते हैं, ऐसे ही हमें बाबा की याद में रहना है। अब आप सोचो, जैसे पिता का कहा कि जब पिता याद रहता है तो वर्तमान का संगम युग का खजाना जो बाबा दे रहे हैं और भविष्य राजाई का नशा वो भी याद रहता है ना। देखो, दुनिया में कोई राजा होता है तो उसको कभी ऐसा नहीं लगता मेरा ये ख़त्म हो गया, ये छिन गया। उसको पता है मैं राजा हूँ, मेरे पास बहुत है। तो बाबा कहते हैं ऐसा जब बाप की याद रहे हर कर्म में, तो फिर कभी भी कोई भी बात होगी ना दुनिया में, तो लगेगा कोई भाग्य थोड़ी छीन लेगा, वर्षा तो मेरा ही है ना। चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगेगा कि कोई मेरा वर्षा थोड़ी छीन सकता है, ना आज मेरी सुख शांति छीन सकता, ना कोई भविष्य की राजाई छीन सकता। तो इतनी निश्चिंत अवस्था और इतना नशा आत्मा को सदैव रहे यदि बाप की याद रहे। मैं तो सिर्फ एक संबंध की बात अभी बता रही हूँ, अगर आप विचार सागर मंथन करें और हर संबंध से, इसीलिए तो बाबा की याद, अगर हम निरंतर बाबा को याद करते हैं ना, तो हमें एक्यूरेट याद आती है ना। जैसे मैंने ये अनुभव किया है कि बाबा को एक संबंध में याद करते हैं तो दूसरा संबंध छूट जाता है, तीसरा छूट जाता है, पूरा हर संबंध को एक साथ, उस पूरे अनुभव को एक साथ लाना, या एक गुण को याद करते हैं तो दूसरा गुण इतना स्मृति में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं मुझे एक्यूरेट याद करना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे संपूर्ण रूपेण पूरे व्यक्तित्व के साथ याद करना, उसके लिए तो तुम्हें बहुत मेरे साथ, है ना, याद का जो संबंध है वो बहुत पक्का बनाना पड़ेगा। अब आप विचार करो, जैसे बाप के साथ वर्षे की खुशबू समाई हुई है, ऐसे शिक्षक के साथ शिक्षाएं है ही हैं, है ना। आप कभी अपने टीचर को बिना टीचिंग के याद कर सकते हो, है ना। आप अपने टीचर को जब याद करते हो तो मैथ्स टीचर को याद करते हो तो मैथ्स के दो चार इक्वेशन भी याद आ जाते हैं, केमिस्ट्री टीचर को याद करते हो तो एक दो, है ना, ड्राइंग बोर्ड पर बनी हुई याद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से जब तुम परम शिक्षक को याद करोगे तो शिक्षाएं भी याद आएंगी, है ना। बाबा को जब हम परम शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो बाबा की हर एक श्रीमत भी याद रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि बाबा ने आज मुरली में क्या कहा था मैं भूल गया और मुझे बाबा की सारे दिन याद रही। नहीं, परम शिक्षक माना शिक्षा, शिक्षा साथ में है। और जब हम परम शिक्षक को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि भी बाबा की शिक्षाओं से भरपूर रहती है। बाबा कहते हैं ना, बाप से लाइट और माइट मिलती है। तो वर्षे की शक्ति या सर्व शक्तियाँ बाबा में समाई हुई है, ज्ञान का प्रकाश परम शिक्षक में समाया हुआ है। जैसे ही हम बाबा को याद करते तो हमारी बुद्धि में भी जैसे क्लियर हो जाता, ये करना है ये नहीं करना है, ये सही है ये गलत है, ये श्रीमत प्रमाण है ये श्रीमत प्रमाण नहीं है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, जो योग युक्त होता है वो सदा युक्ति युक्त होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम योग युक्त हैं और हम युक्ति युक्त नहीं है, माना हमसे कर्म एक्यूरेट नहीं हो रहे। क्योंकि बाबा याद रहता है तो श्रीमत भी याद रहती है ना। ऐसा जैसे देखो, कई बार भाई बहनें पूछते हैं, हम अमृत वेला याद में बैठ के और फिर सो जाए, जब आपको बाबा याद रहता है तो श्रीमत याद नहीं रहती है क्या? कि अमृत वेला के बाद ये जो
चार से आठ का समय है वो तो शक्तिशाली समय है ना। उस समय तो हमें है ना ज्ञान योग में अपना समय बिताना है। तो बाबा कहते ये जो रिवासी, क्योंकि हम इतने समय भक्ति में रहे हैं ना कि वो जो भक्ति की मान्यताएं हैं, जैसे याद कर लिया तो जैसे काम पूरा कर लेते हैं ना कि कथा कर ली या आरती कर ली या पूजा कर ली, तो बाबा की याद कोई उद्यापन करने वाली याद नहीं है कि आज का उद्यापन हुआ आप कल का कल करेंगे, वो नहीं है कि 45 मिनट के बाद घड़ी देखी और किताब बंद की और आज की कथा समाप्त, वो नहीं है। भक्ति में जैसे हम धर्म और गृहस्थ को अलग करके रखते थे, ऐसा नहीं है। अब तो बाबा कहते तुम हो ही आत्मा और मैं हूँ ही तुम्हारा बाप, है ना। तो जैसे लौकिक पिता के लिए कोई घंटे थोड़ी फिक्स करते हैं कि 4 घंटे इनको याद करना है उसके बाद अपना काम करना है। लौकिक पिता तो पिता है ना, तो सारे दिन बुद्धि में बैठा रहता है। ऐसे ही ये तो मेरा पारलौकिक पिता है, ये संग संग चलेगा। आप कभी लौकिक पिता को कहते हो सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी बात मानूंगा और उसके बाद आपका मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा तो नहीं कहते ना। वो कहता है ठीक है फिर प्रॉपर्टी से निकल जाना, फिर और मेरी मत, फिर मेरे पास मत आना। तो जैसे आप लौकिक पिता के 24 घंटे हैं, ऐसे पारलौकिक पिता की छत्र छाया में भी हम 24 घंटे हैं, आजीवन है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो भक्ति की जो हमें आदतें पड़ी हुई है ना कि भगवान के लिए समय फिक्स है, बाकी हमारी सारी जीवन देहधारियों के लिए है, ये सारी आदतें हमें मिटानी पड़ेंगी। तो बाबा कहते वो पिता है, उसको याद करने से हमें वर्षे का नशा रहता है, वर्तमान संगमयुगी खजानों का भी नशा और भविष्य प्राप्ति का भी नशा। भविष्य प्राप्ति का नशा ऐसा हो कि आज भले ही सूखी नमक रोटी खा रहे हैं लेकिन अंदर ऐसा हो कि मैं तो राजा हूँ, है ना। तो जैसे बाबा कथा सुनाते हैं उस राजकुमार की, जो गया जंगल में था गुप्त वेश में, लेकिन उसकी झलक फलक ऐसी थी कि देखने वाला जान जाता था कि ये राजकुमार है। तो कैसे पता चलता है, इतना नशे में आत्मा रहे। लेकिन नशा कब रहेगा, जब बाबा की याद होगी, जब बाप की याद होगी, परम शिक्षक की याद हो, तो कोई भी कर्म श्रीमत से इधर उधर नहीं हो सकता। और सतगुरु की याद हो तो सतगुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया है। तो जिसको सतगुरु की याद होगी उसको लक्ष्य कभी नहीं भूलेगा कि मुझे जाना है और वापस आना है ना। दुनिया में भी आप देखो, दुनिया में गुरु करते हैं तो कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं कि ये सब मोह माया है। तो जैसे ही गुरु याद आता है तो एक बार के लिए याद आ जाता है कि ये सब मोह माया है। तो बाबा कहते हैं सतगुरु, परम सतगुरु हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि तुम्हारा जो जो ध्येय है वो है मुक्ति में जाना और जीवन मुक्ति में आना। तो सतगुरु की याद हो तो लक्ष्य कभी ना भूले। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से सारे दिन हमें याद रहनी चाहिए। और जो बात खास आज मुझे ऐसे बुद्धि में आ रही थी कि देखो हमारा जो बाबा आए हैं हमें हमारी तकदीर बनाने, अब तकदीर बनती है कर्मों से, है ना। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो कर्म क्या होते हैं, जैसे हम लोग साइंस में एक लॉ समझते हैं कि माइंड एसोसिएशन से सोचता है ना, माइंड एसोसिएशन से सोचता है। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा होता है ना, तो जैसे ही आप उसका चित्र देखते हैं तो आपकी बुद्धि में सारी वो बातें आ जाती हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने ऐसे कहा था, ऐसे किया था, ये ऐसे हैं, फलाना है ना, ये सारी बातें अंदर आ जाती हैं। माइंड एसोसिएशन से सोचता है माना किसी के कर्म देखने से, किसी की सूरत देखने से, जैसे एक पूरी द्वार खुल जाता है और वो सारी स्मृतियाँ उससे जुड़ी हुई, उसके जाति से जुड़ी हुई, कुल से जुड़ी हुई, रूप से जुड़ी हुई, सारी जैसे एकदम से ऊपर आ जाती है। और जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है,
और फिर जैसी स्थिति वैसा कर्म होता है, क्योंकि स्मृति वृत्ति दृष्टि और कृति तो जुड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भी तुम सारे दिन में है ना खा रहे हो पी रहे हो संबंध संपर्क में आ रहे हो चल फिर रहे हो कर्म कर रहे हो, तो सारे दिन तुम वस्तु व्यक्ति वैभव के बीच में हो। अब आप देखो जिनके साथ भी हम आज है ना, हम कई जन्मों से उनके साथ रहते चले आए हैं और उनके साथ हमारे सारे विकारी कर्म बंधन बने हुए हैं। अब उनको देखने से हमारे सारे कार्मिक अकाउंट इमर्ज हो जाते हैं, सारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, है ना। सारे दिन यही होता है, जैसे भोजन भी है तो भोजन के प्रति भी हमारा क्या है, जिसको आसक्ति से भोजन खाने की आदत है, अशुद्ध भोजन की आदत है, वो सारे संस्कार खाते पीते इमर्ज होंगे। कहेंगे आज ये खाने का दिल कर रहा है, वो खाने का दिल कर रहा है, या चलते फिरते भी किस चीज़ पर आपकी आँख ठहरती है, कौन से शब्द आपकी बुद्धि में रहते हैं, वो सारी बातें किस प्रकार से चलती हैं, जो हमारी पुरानी स्मृति है ना, उसी आधार से हम नए नए कर्म करके नई स्मृतियाँ और नए संस्कार बनाते चले जाते हैं। इसी हिसाब से तो दुनिया में किसी को गिराने आना नहीं पड़ता ना। एक बार रावण राज्य आया, गिरने लगे तो पुराने विकर्म नए अवगुणों को जागृत करते हैं और नए अवगुण नए विकर्म कराते हैं, फिर उसके बाद उसके आधार से वो जो विशियस साइकिल है वो चलता चला जाता है। और फिर इससे क्या होता है, हम अपना आपे ही नुकसान करते जाते हैं अपने कर्मों से। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम्हें कर्म बदलना है और भाग्य बदलना है, क्योंकि सारे दिन अगर हम देखो, अब कोई जो आपके आसपास आत्माएं हैं या परिस्थितियां हैं, वो ऐसे आज सोएंगे कल उठेंगे तो बदल तो नहीं जाने वाली है ना, वो वही रहेंगे, वही आत्माएं रहेंगी, वही परिस्थितियां रहेंगी, उन्हीं और बद से बदतर भी होती जाएंगी जो हम देख रहे हैं कलयुग में, है ना। तो जब उनके बीच रहते हैं तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा आगे का भविष्य सुधरे। आगे के भविष्य सुधरने के लिए वर्तमान कर्म सुधरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान कर्म तो वर्तमान स्मृति के आधार से होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मेरी याद में रहकर नया कर्म करो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम जब मेरी स्मृति में रहोगे, जब तुम मेरी याद में रहोगे, तो मेरी याद से तुम्हारी जो दृष्टि आत्माओं के प्रति, चीज़ों के प्रति, क्योंकि जब तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी जो गुण हैं, तुम्हारे अंदर जो बुद्धि में शिक्षाएं इमर्ज रहती हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें मदद करेंगी। और तुम्हारा जो वो दृष्टिकोण है जो आत्माओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति है, जो तुम्हें कर्म कराता है, वो बदलेगा। तो जब तक हम बाबा को बीच में नहीं रखेंगे तब तक हमारे कर्म नहीं बदल सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें सारे दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते संबंध संपर्क में आते मेरी याद में रहना है, क्योंकि याद का असर मेरी अवस्था पर पड़ता है। याद ऐसा नहीं है कि हम याद कर रहे थे और कर्म बिगड़ गया, नहीं, याद माना अवस्था बनाने वाली है। तो जब हम याद में बाबा की यथार्थ रहते हैं तो हम भी नॉलेजफुल, हम भी रूहानी नशे में रहते हैं, हम भी शिक्षा स्वरूप बनकर रहते हैं, बाबा की शिक्षाओं को धारण करके रहते हैं। और ऐसे में जब आत्मा रहती तो वो किसी भी वस्तु को देखती है, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आती है, किसी भी परिस्थिति में होती, तो उसका रेस्पॉन्स बदलेगा। और जब उसका रेस्पॉन्स बदलेगा, कर्म बदलेगा, तब वो विशियस साइकिल टूटेगा, है ना। जो पाप और पाप बना रहा है, ये जो एक विशियस साइकिल चल रहा है, क्योंकि माइंड एसोसिएशन से सोचता है, तो जो पुराने पापों के आधार से जो स्मृति बनी हुई है
संस्कार बने हुए हैं, वो स्मृति और संस्कार नए पाप बनाते हैं। तो जब हम स्मृति में बाबा को रखेंगे और बाबा की याद के आधार से अपने मौलिक संस्कारों को, रूहानी दृष्टि को इमर्ज रखेंगे, तब जाकर कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे तो ये विशेष साइकिल टूटेगा। और अगर ये विशेष साइकिल नहीं टूटेगा तो फिर हम वही नीचे गिरती कला में जो जा रहे थे वही जाते जाएंगे। इसीलिए बाबा ये जो रोज़ हमें श्रीमत देते हैं कि बच्चे तुम पहले तो जब याद का अभ्यास करते हो तो आँख खोल कर करो, क्योंकि आँख खोल कर याद का अभ्यास करेंगे तब तो सारे दिन में स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, और जब याद में रहेंगे तो वो याद जैसे बीच में आ जाएगी, है ना, बाबा की याद जैसे एक एक कवर बनेगी, जिस कवच के आधार से हम पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों को रोककर नए कर्म कर सकेंगे। तो बाबा कहते इसी से फिर भाग्य बदलेगा। आज मैं ये भी एक विचार कर रही थी, देखो मुझे एक अभी एक माता आई थी पीछे, तो मुझे कहती कि सारे दिन जो है ना अंदर क्रिटिसिज्म चलती है, कंप्लेन चलती है ना, क्योंकि, तो मैंने कहा क्यों, तो कहती घर में एक भी व्यक्ति ढंग का नहीं है, है ना, ऐसे कहती घर में एक भी व्यक्ति ढंग का नहीं है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर है, सब एक से बढ़ के एक है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहती बेटा है वो परम नालायक है ना, बेटी है वो भी बिगड़ी हुई है, पति है वो तो कभी शुरू से बात सुनते ही नहीं है, सास ससुर तो है ही सास ससुर, है ना, तो इस प्रकार से कहने लगी। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा, तो माना कोई भी लायक नहीं है, तो आपने सल्यूशन क्या निकाला है फिर उसका कि उनको और कोसेंगे सारे दिन और उनको नेगेटिव एनर्जी देंगे तो कल वो बहुत लायक बन जाएंगे, ऐसा? तो कहती नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा ही है ना, क्योंकि आप वो ही कर भी रहे हैं और मुझसे भी करवा रहे हैं, आप मेरी बुद्धि में भी क्या डाल रहे हैं, है ना, कि मेरे पति बहुत खराब हैं, बच्ची ऐसी है, बेटा ऐसा है, तो ये जो सारी आप बुद्धि में मेरे डाल रहे हैं, आप फिर कल आप कहेंगे पति के लिए भोग लगा दो दीदी, या बेटे के लिए ये वाली शुभ भावना भेज दो, तो हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बेटे पति को देखा तो है नहीं, लेकिन आपके हिसाब से जो मेरी बुद्धि में अभी आया है तो वो यही है कि वो लायक तो है नहीं, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो जैसे खुद भी उनको नेगेटिव एनर्जी खूब दे रहे हो और दूसरों से भी भर भर के उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दिलवा रहे हो, तो आप विचार करो आप चाहते क्या हो, है ना। क्योंकि देखो एक चीज़ हमें समझनी, ये जो मैं आज आपको विशेष साइकिल की बात समझा रही हूँ ना, हमारे आसपास जो आत्माएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो विकर्मों के कारण ही हैं। अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, आत्माएं ऐसी नहीं हैं जिनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता हो, तो ये विकर्मों के कारण है। अब विकर्मों का जो जिस कारण से वो आई है, अब उसका सल्यूशन ये नहीं है कि आप उनको सारे दिन दुआओं का ऑपोजिट देते रहें। लेकिन प्रश्न ये है कि हम ये तो समझ लेते हैं कि दुआएं देने से, शुभ भावना देने से, शुभ कामना रखने से बेटर होगा, है ना, जैसे कहते हैं ना अच्छा अच्छा कहने से भी अच्छा हो जाता है ना, अच्छा अच्छा कहेंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे तो अच्छा बनेगा। लेकिन अच्छा देखेंगे कैसे, अच्छा देखेंगे, अच्छा कहेंगे जब अच्छे से अच्छे बाबा की याद में रहेंगे। हम बुरा देखते हुए अच्छा सोचेंगे कैसे जब हमारी दिल में, याद में वो बुरा सीन या बुरी आत्मा नहीं बाबा होगा। जब बाबा की याद मेरे दिल में समाई होगी तो हर सीन देखते हुए
हर आत्मा के साथ रहते हुए मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति उसके प्रति शुभ रह सकती है, क्योंकि आपकी दृष्टि वृत्ति का आधार आपकी स्मृति है। आपकी याद में, आपकी स्मृति में बाबा समाया हुआ है, तो आप उसके प्रति भी दृष्टि या वृत्ति शुभ रख सकेंगे। और जब तक आप इस चेन को तोड़ेंगे नहीं, बुरे के लिए बुरा सोचना, बुरे के लिए बुरा देखना, यही चलेगा तो बुरे ते बुरा ही होता जाएगा। इसीलिए इसको तोड़ने के लिए याद ही एक विधि है। इसीलिए बाबा याद पर इतना अटेंशन दिलाते हैं। मैंने इस प्रकार से भी इस बात को थोड़ा एनालाइज किया है कि आप देखो, दुनिया में भी मानो आप नेगेटिव में चल रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे आने के लिए एक ज़ीरो तो बीच में होगा ना। नंबर सिस्टम में भी मानो -5 है, -4, -3, -2, -1, फिर ज़ीरो आएगा, तब तो प्लस की तरफ जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा सारा खाता माइनस में है ना, आत्माओं के साथ, परिस्थितियों के साथ। जब तुम ज़ीरो पे आएंगे ना, ज़ीरो, मैं आत्मा, मेरा बाबा, तब फिर ये पॉजिटिव का खाता शुरू होगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम देहाभिमान में ही रहते रहें और कल तक हम जिनके बारे में अशुभ सोच रहे थे आज शुभ सोचने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम ज़ीरो को बीच में नहीं लाएंगे ना, तो ये परिवर्तन नहीं आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव बिना ज़ीरो को बीच में लाए नहीं आ सकता। इसलिए इन बातों को समझकर हमें बाबा की याद का अभ्यास और बाबा की याद स्वरूप में यथार्थ एक्यूरेट हर कर्म करने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि फाइनली तो जो योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म है वही भाग्य बदलेंगे। लेकिन जितना हम एक्यूरेट योग युक्त होंगे, उतने हम एक्यूरेट युक्ति युक्त होकर कर्म कर सकेंगे। ओके, ओम शांति।